इससे पहले कि हम अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाए, दो तीन प्रमुख वक्ताओं का उद्बोधन और भी हमें करना है। भूपिंदर सिंह हुड्डा जी अपनी बात रखे, उनसे अनुरोध। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी व सम्मानित मंच और देश के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति व जन समूह के में सम्मिलित सभी हमारे साथी, देखिए आज पूरा देश के लोग यहाँ आए हैं रैली में, भारत बचाओ रैली। जहाँ तक आर्थिक मंदी का सवाल है, आर्थिक स्थिति का सवाल है, चिन्नामनम जी ने बता दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बैठे हैं और सब आप लोग चर्चा करेंगे। मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि आज जो भारत बचाओ रैली है तो भारत कैसे बचेगा, कैसे बचेगा भारत? भारत जब ही बचेगा जब इस देश का किसान बचेगा, इस देश का मजदूर बचेगा। आज इस देश के किसान और मजदूर बर्बादी के कगार पे, आपने देखा मंदी है और महंगाई की दर घटाने के लिए और क्या कदम उठा रही है सरकार, केवल उसकी आंच किस पे आ रही है? इस देश के किसान और मजदूर पर आ रही है। उसको रखने के लिए, महंगाई की दर कम करने के लिए, रिजर्व बैंक का ब्याज कम करने के लिए, किसान को जो है लागत बढ़ रही है, दाम घट रहा है, उनको दाम नहीं मिल रहा, आज MSP नहीं मिल रही और नतीजा यह है कि किसान कर्जे में डूबता जा रहा है और फैक्ट्रियां बंद हो रही है, बेरोजगारी बेतादाद फैल रही। मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में 2012 में जो बेरोजगारी का दर था 2.8 था और आज वो बढ़कर देश में सबसे ज्यादा 28% हो गया। तो आज बेरोजगारी स्तर पे पहुंच गई, किसान कर्जे में डूब रहा है। इस सरकार ने कहा कि हम 2022 तक किसान के आमदनी दुगनी कर देंगे। कैसे दुगनी करेंगे? अरे 1.5 साल पहले मैं गया एक मंडी में कुरुक्षेत्र के पास, वहां किसान ने आलू 9 पैसे बेचा, तो किसान की आमदनी अगर 22 में 18 पैसे मिलेंगे तो दुगनी हो जाएगी क्या? दुगनी एक ही हिसाब से हो सकती है। आज क्या क्या दर है किसान का, कितना जो 2% इजाफा है, जब तक 6 और 8% ग्रोथ नहीं होगी किसान कैसे दुगनी होगी? और दुगनी करने का तरीका एक ही है, जितनी लागत है उसके ऊपर मुनाफा दिया जाए। जो वायदा किया है स्वामीनाथन का, जो इस सरकार ने बीजेपी सरकार ने वायदा किया है वो लागू करो, जितने रोजगार के हैं वो लागू करो, जब ही भारत बन सकता है। आज बड़े बड़े नेता बैठे, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, मैं एक किसान का बेटा हूँ। आज किसान बर्बादी के कगार पे है, अगर किसान को बचाना है तो कांग्रेस जनों से मेरी भी अपील है, मेरे सभी साथी वरिष्ठ नेता बने हैं कि आज घर में बैठ कर नहीं, किसान के साथ उसके साथ जमीन में लड़के हम आगे बढ़ा सकते हैं। इन सबके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।